सर पर्सन संख्या 86। आदरणीय अध्यक्ष जी, तीन भाग में माननीय विधायक जी का प्रश्न है, भाग क का जवाब है। हाँ श्रीमान जी, नगर निगम सोनीपत क्षति का आंकलन करवाने के लिए मौके पर जाकर इसका सत्यापन करवाएगा। ख भाग में भी हाँ श्रीमान जी, हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 372 के तहत तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सरकार के यदि क्रमांक 687 ER 2/2022/2808 दिनांक 24/15/2022 द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान है। गय जैसा कि उक्त वर्णित क और ख में इसका ऑलरेडी जवाब दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहा हूं कि सोनीपत विधानसभा में ड्रेन का कार्य चल रहा है जो कि लगभग 3-4 साल हो चुके हैं, बल्कि इससे पहले भी 2017 में ये काम शुरू हुआ था 2016 में, और 17 में एक साल बाद वो ठेकेदार काम करता हुआ वो डिपार्टमेंट से परेशान होकर काम छोड़कर भाग गया था। उसके बाद दोबारा ये काम शुरू हुआ 2020 में जी, और अब 4 साल हो चुके हैं। उस ड्रेन के कार्य की वजह से, पूरा ना होने की वजह से पूरा शहर, क्योंकि पूरे शहर का जो पानी है, सीवर लाइनें हैं, वो सारा का सारा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, बहुत सारी कॉलोनियों, और जहां तक फसलों की बात है, इस एरिया में जटवाड़ा गांव है, जटवाड़ा गांव के करीब करीब 70 एकड़ जमीन जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि 4 साल से लगातार उनमें पानी भरा है। और वो किसान, छोटे छोटे किसान हैं जिनका परिवार का गुजारा ही उस खेती से होता है, उन पे क्या बीत रही होगी। और 4 साल से लगातार वो डिप्टी कमिश्नर से मिले, कॉरपोरेशन कमिश्नर से मिले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के विभाग से मिले, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन लगाया, और अभी मंत्री जी जवाब, और इसके अलावा इसके साथ ही जैसे अभी कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का एरिया लगता है जटवाड़ा गांव वाला, उससे पीछे जारी गांव है, जारी गांव के भी 30-40 एकड़ जमीन खराब हो चुकी है, और वो कॉरपोरेशन एरिया में आती नहीं, तो उसकी कौन जांच करेगा। और मंत्री जी जवाब देंगे अब तक वो जांच क्यों नहीं हुई कि वो जो फसलें डूबी है उस पर कार्रवाई अब तक 4-3 साल से क्यों नहीं हुई, जबकि लगातार किसान लगातार धरनों तक भी बैठे हैं, वहां पर सड़क भी जाम की है, लेकिन अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और अगर जिन ऑफिसर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये अमृत वन के तहत ये काम किया गया था जो 2015 में शुरू हुआ और जो 2020 में पूरा होना चाहिए था, लेकिन उसकी एक्सटेंशन 2024 तक हो गई थी। ये जो ड्रेन नंबर 6 स्मालखा पानीपत से निकलती है, जो सोनीपत शहर से होकर गुजरती है, और इसमें जो ये ओवरफ्लो होने के कारण, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, तो इसलिए जो ये नुकसान हुआ, ये हम इसका मुआवजा देंगे। दूसरी बात, इसके कारण से जो नुकसान हुआ है उसका भी टेम्परेरी बंदोबस्त करने के लिए हमने 49 लाख रुपये इसका प्रावधान टेंडर लगा दिया गया है, तो इसको टेम्परेरी इसको रोक दिया जाएगा। और जहाँ तक इंक्वायरी की बात है तो वो हम, मैं एग्जामिन करवा लूंगा, जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। एक मिनट का और है इसमें, मेरी आपसे निवेदन है कि किसानों का 4 साल से लगातार नुकसान हुआ है। ये देखो, ये कल रात की फोटो है, पूरा पानी 5-5 फुट 7-7 फुट खेतों में पानी भरा है, तो 4 साल का मुआवजा जल्दी से जल्दी उनको तय करके दिया जाए। ये जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर लगभग 3 महीने के अंदर हम मुआवजा देने और का। जो ड्रेन जो बन रही है, जो कवर हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। उसके साइडों में 30-30 फुट तक जो गहराई से जो गड्ढे खोद रखे हैं ना जी, हाँ। उनकी भी इंक्वायरी करा लें, वहाँ लोग डूब के मरने लग रहे हैं, पानी भरा हुआ है उसमें साइडों में, हम इंक्वायरी करवा देंगे। और उसमें उसमें जरूरी है, क्योंकि उसमें एक और चीज आ रही है जी, उन्होंने कहा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट कहता है सर, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट कहता है कि ये इरीगेशन का एरिया है, हमने इनसे सिर्फ 35 फुट एरिया लिया है जो हम कवर कर रहे हैं, बाकी को भरेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और एग्रीकल्चर कहता, डिपार्टमेंट कहता है कि ये जो है हम इनको हैंड ओवर कर चुके हैं, कॉरपोरेशन देखेगा, तो ये बड़ा उलझा हुआ मामला है और 4 साल से उलझा हुआ है। श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, सत्य सटीक बेबाक।